नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए, अभी लॉयड ऑस्टिन जो है डिफेंस मिनिस्टर है यूएस के, और वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर टोनी ब्लिंकन, ये दोनों भी इंडिया में आए हैं 2x2 अपने काउंटर पार्ट से इंडिया में बात करने के लिए। तो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं कमर चीमा, इनका मैं सुन रहा था वीडियो, देखता भी रहता हूँ अक्सर। ये इतना खटिया आदमी है कि पहले तो कमर चीमा को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान इंडिया में अगर अमेरिका से कोई आया है या अमेरिका में कोई इंडिया से गया है तो तुम इतने बड़े पाकिस्तानी हो गए हो, सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करने गया है। हर चीज़ में तुलना करने लगते हो यार इंडिया से। इंडिया की 130-140 करोड़ लोग हैं, तुमको पेट में दर्द होता है कि बड़ा मार्केट है इतना, 140 करोड़ लोग यहाँ पे। अरे अकल नहीं है तुमको? मार्केट बड़ा होने के लिए लोगों का पैसा होना चाहिए ना। तुम्हारी तरह थोड़ी है भीख मंगे यहाँ पे लोग कि जो है बस सज धज के टाई लगा के सूट पहन के खड़े हो जाओ, घर में खाना नहीं है, इस तरह का हालत है तुम लोग। सब चीज़ दिखावटी काम करते हो, हर गलत चीज़ को, गलत लोगों को सपोर्ट करता है पाकिस्तान, और आर्मी के मुट्ठी में हो सब लोग, आर्मी का गुड़गा, हर चीज़ आर्मी के चीफ से पूछ के करते हो और इंडिया से तुलना करते हो। तुम्हारे कितने पाकिस्तानियों को पता होगा कि यहाँ आर्मी का चीफ कौन है क्या नहीं? किसी चीज़ में इंडिया की तुलना करने की जरूरत ही नहीं है, है ही नहीं उस लायक भाई, बहुत दूर। तुलना तो छोड़ो, कोई मतलब क्या करें, एक बॉटम एक स्काई, इस तरह का है हिसाब किताब। फिर भी तुम लोग को इंडिया के बारे में कुछ भी बोलने से बड़ा अच्छा लगता है, उल्टा सीधा। तब सब पाकिस्तानी पागल हो गए हैं, सब शक्ल देख देख कर डर लगता है इन लोग का, जो इस ऐसा शक्ल बनाए रहते हैं। और कमर चीमा को आपको एक एटम बम में तो मार दो इंडिया में, देखो क्या हालत, तो पूरा रेगिस्तान बन जाएगा पाकिस्तान, कश्मीर कश्मीर कर दे। इतना आतंकवादी हो कश्मीर में, क्या कर लिया आतंकवादियों ने कश्मीर में? ले लो कश्मीर, बहुत तुम लोग को पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं कमर चीमा से रिक्वेस्ट करता हूँ, हर चीज़ में इंडिया के बारे में मत, इंडिया की तुलना अपने आप से किया करो। देख के मुझे मतलब घिन आती है तुम लोग की बात सुन के। अब सऊदी अरब, यूएई क्यों इंडिया से इतना संबंध बना रहा है? बड़ा मार्केट है भाई, संबंध, वो अपना इंटरेस्ट नहीं देखेंगे क्या? इंडिया अपना इंटरेस्ट नहीं देखेगा? सब पाकिस्तान से पूछ पूछ के किया जाएगा? तुम्हारे यहाँ न डेमोक्रेसी है, एकदम तमाशा बना के रखा हुआ है। इमरान खान को जेल में डाल दिया, अभी नवाज शरीफ को फिर बुला लिया उसको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए। अब बताइए कि सजा पाया हुआ आदमी लंदन में जाके बैठ गया था और वहां से आया, अब तो पता सजा का उसका क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। किस तरह का कोर्ट है तुम्हारा, किस तरह का निजाम चल रहा है भाई? आसिम मुनीर जो है सच्चे उसके हाथ में है क्या? अब बात करते हो इंडिया से तुलना करते हो आप लोग, कुछ शर्म करो यार। वो लॉयड ऑस्टिन या टोनी ब्लिंकन जो आए हैं तुम्हारे लिए ही बात करने आए हैं क्या? इतने बड़े हो गए हो तुम लोग जो है कि सब हमेशा वो पाकिस्तान का ही जिक्र करेंगे। उन लोग का ग्लोबल मैटर रहता है, कैसे क्या क्या करना है, डिफेंस पैक्ट सब कुछ करेंगे भाई। शर्म करो यार कमर चीमा आप जो है, और आगे से इंडिया का तुलना कभी मत किया करो आप जो है अपने से। पाकिस्तान से इंडिया का कोई तुलना नहीं है, हर उछल उछल के बकते रहते हो। तो अभी क्रिकेट टीम आई है, उसके लिए भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी चाहते हैं कि सब टीम वॉकओवर देकर सीधे पाकिस्तान को चैंपियन ही बना दिया जाए। तो इस तरह से तुम, हम तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को, आईसीसी को चाहिए पूरा बैन कर दें, जिस तरह का यहाँ बकवास करते रहते हो चैनल में बैठ करके क्रिकेट के बारे में, और आप जो हर चीज़ में इंडिया से तुलना करते रहते हो, बहुत ही गुस्सा लगती है भाई। और हम तो इंडिया वालों के ऊपर गुस्सा, आप लोगों को क्यों मुंह लगा के रखा है इंडिया वालों ने? बोल, चलिए फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, मुझे बताना था इसका, कभी सुनिएगा वीडियो। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।